यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलो सीधे लखनऊ आपको लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। प्रयागराज और वाराणसी, ये दो हमारे जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उत्तर प्रदेश के, प्रत्येक अप्रवासी भारतीय इन स्थलों में 4.5 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विकास की जो नई योजनाएं बनी हैं और जिस तरीके से वहां की पुरातन परंपरा को, वहां की पुरातन विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नई योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा है, उसको वे अपनी आंखों से भी देखें, उसका अवलोकन भी करें। ये सारी सुविधाएं वहां पर की जा रही हैं और उसके बाद 24 को पुनः वहां से काशी से दिल्ली के लिए उनका प्रस्थान होगा, वाराणसी प्रयागराज से दिल्ली के लिए उनका प्रस्थान होगा। और जैसे कि माननीय विदेश मंत्री जी ने कहा कि 25 को दिल्ली दर्शन और उसके उपरांत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर उसे अवलोकन करने, भारत की समृद्धि को अपने आंखों से देखने का एक अवसर राजपथ पर उन्हें प्राप्त होगा। यह मुख्य कार्यक्रम हम लोगों ने इस अवसर पर प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम के लिए प्रारंभ किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने प्रयास किया है कि 7 प्रमुख और 165 लघु कार्यक्रमों का आयोजन इस प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर काशी में हो। जैसे संकनाथ का है, भारत पर्व का है, देव दीपावली है, इसमें स्थानीय नागरिकों को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। कार्यक्रम को व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए वाराणसी में विगत 6 महीने से ही विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जैसे नौकायन दौड़, और प्रत्येक नौका में अलग अलग देशों के जो भी संभावित देश थे जहां से प्रवासी भारतीय आ रहे हैं उनके ध्वजा को लगाते हुए एक आयोजन वाराणसी में इससे पहले संपन्न हुई है। अलग अलग विद्यालयों को लिया है जो उस देश की परंपरा, उस देश की संस्कृति के साथ जुड़ करके वहाँ के बच्चों को वहाँ की भाषा, वहाँ की परंपरा, वहाँ की संस्कृति के साथ जोड़ते हुए इस आयोजन में शामिल करें, या काशी के अंदर उन अप्रवासी भारतीयों के आगमन के अवसर पर जिन देशों से उनका आगमन होना है उन देशों की राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के एक कार्यक्रम उन विद्यालयों के माध्यम से ही काशी के अंदर देखने को प्राप्त हुआ है। अनेक प्रकार के अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन काशी के अंदर इस दौरान किया गया है। सूचना विभाग ने इस पूरे कार्यक्रम की आउटडोर ब्रांडिंग और प्रिंट ब्रांडिंग का कार्य भी युद्ध स्तर पर करना प्रारंभ किया है। अपने आप में यह 15वां प्रवासी भारतीय दिवस एक नए अनुभव के साथ आने वाले सभी हमारे अतिथियों के लिए एक अलौकिक अनुभव का अवसर भी होगा, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस में एक सरकारी कार्यक्रम और उस कार्यक्रम में भारत के आर्थिक विकास से जुड़ी हुई योजनाओं या फिर भारत के साथ अपने अनुभवों को शेयर करने के साथ साथ भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा और समृद्ध भारत की उस तस्वीर को देखने का वह अवसर उन्हें नज़दीक से नहीं मिल पाता था। यह पहला अवसर होगा जब काशी और प्रयागराज में सभी अप्रवासी भारतीयों को आने का अवसर प्राप्त होगा। हम लोग इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और मैं इसके लिए माननीय विदेश मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश को